जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। उसमें आज हम एकम सोलह पहल क्या है उसके अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में अभ्यास है वो आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 107 है, उसमें आपको अभ्यास दिया गया है। उसमें प्रश्न एक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, पेड़ों से बारिश आती है, कई चीजें भी बनती है पेड़ों से, उसकी लकड़ी से कई साधन बनते हैं। तो बच्चों, पेड़ है वो हमें बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद दूसरा, आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है। बच्चों, मीठी चीजों का नाम आते ही आप सभी के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, मुझे खाने में जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, लड्डू, ये सारी मीठी मीठी चीजें हैं वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद है, पतंग के अलग अलग नाम बताइए। आप जब मकर संक्रांति आती है तब पतंग है उसे उड़ाते हैं, तो उसके नाम आपको आते होंगे, मगर हमें हिंदी में लिखने हैं। तो पट्टेदार पतंग, ढालदार पतंग, आंखेदार पतंग, खुद्दीदार पतंग, चील पतंग, मूछदार पतंग और चांददार पतंग, ये पतंग के अलग अलग नाम है। उसके बाद आपको स्वाध्याय है वो दिया गया है। तो बच्चों, स्वाध्याय में प्रश्न एक है, पढ़कर समझिए। आपको यहाँ पर विरोधी शब्द है वो दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है। पहला है धरती, तो धरती का क्या होगा, आसमान। दूसरा है उठाता, तो गिरा। तीसरा है ऊपर, तो इसका विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द होगा नीचे। और चौथा है शुरुआत, और इसका विरोधी शब्द होगा अंत। अब प्रश्न नंबर 2 है, उपर्युक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको धरती और आकाश, ये दोनों विलोम शब्द है। धरती का विलोम शब्द आकाश है या आसमान है, तो हमें धरती और आसमान दोनों पर से वाक्य है वो बनाना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर वाक्य है वो बनाएंगे। तो पहला है, हम धरती पर रहते हैं। तो यहाँ पर धरती, उसका विलोम शब्द आसमान है, तो आसमान पर से हम वाक्य बनाएंगे, हम आसमान पर नहीं रहते। तो बना दोनों का वाक्य। दूसरा वाक्य है, उठाता वह मुझे उठाता है। और उसका विलोम शब्द होगा गिरा, वह मुझे गिराता है। बच्चों, हमें कोई उठाता भी है तो कोई गिराता भी है, तो उठाता का विलोम होगा गिराता। अब तीसरा, ऊपर, और उसका विलोम शब्द है नीचे। तो हम वाक्य बनाएंगे, राम पलंग के ऊपर सो गया, राम किसके ऊपर सो गया, पलंग के ऊपर, पलंग के ऊपर
ग्राहक के बनाए हुए राम पलंग के नीचे सो गए। अब चौथा कौन सा वाक्य है? शुरुआत और अंत। मैंने काम की शुरुआत की। तो शुरुआत क्या भी हो सकता होगा? मैंने काम का अंत किया। मैंने काम का अंत किया। तो बच्चों, हमने देखा कि धरती का आसमान उठा था तो गिरा था, ऊपर तो नीचे, सर्वाधिक अंत ये शब्द उसके विलोम शब्द है और उसी के अंदर हमने यह वाक्य है वो बनाया। उसके बाद है पढ़कर समझिए। हर रोज तो हमेशा ये समानार्थी शब्द है। पहाड़ तो पर्वत, पेड़ तो वृक्ष, धरती तो पृथ्वी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे समानार्थी शब्द दिए हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द है वह दिए हैं। और प्रश्न नंबर 4, ऊपर दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको उदाहरण भी दिया है, जैसे विलोम शब्द का उदाहरण दिया था उसी तरह समानार्थी शब्द का भी उदाहरण दिया है। जैसे कि हर रोज का समानार्थी होगा हमेशा, उसका उदाहरण है वो दिया है, मैं हर रोज दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। तो बच्चों, हम यहाँ पर वाक्य है वो बनाएंगे। मैं हर रोज दूध पीती हूँ, उसी तरह मैं हमेशा दूध पीती हूँ। तो बच्चों, यहाँ रोज और उसका समानार्थी क्या हुआ? हमेशा। उसी तरह दूसरा है पहाड़ तो पर्वत। तो हमें पहाड़ पर से वाक्य बनाना है और उसके बाद पर्वत पर से, पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आया। पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आया। दूसरा वाक्य बनाएंगे, पर्वत के पीछे से सूरज निकल आया। तो बच्चों, पहाड़ का समानार्थी शब्द होगा पर्वत। तो अब तीसरा कौन सा वाक्य है? पेड़। तो पेड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? वृक्ष। पेड़ पर पत्ते न थे, पेड़ पर पत्ते न थे। तीसरा, वृक्ष पर
पे ना थे। तो बच्चों पेड़ और रुख, पेड़ हमें बहुत उपयोगी होते हैं, उसी तरह वृक्ष हमें बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे भी वाक्य है को हम बना सकते हैं। अब इसके बाद है चौथा धरती। तो धरती का समानार्थी शब्द होगा पृथ्वी। तो धरती पर हरियाली छा गई। इसी तरह होगा पृथ्वी पर हरियाली छा गई। तो यहां पर धरती का समानार्थी शब्द हो गया पृथ्वी। बच्चों उसके बाद है शीश और उसका होगा समानार्थी शब्द मस्तक, यानी कि हमारा जो सिर होता है वह। मेरा शीश भगवान के आगे झुक गया। मेरा शीश भगवान के आगे झुक गया। इसी तरह बनाएंगे मेरा मस्तक भगवान की आगे झुक गया। बच्चों यहाँ पर सी और उसका समानार्थी होगा मस्तक। रोज का समानार्थी होगा हमेशा, पहाड़ का समानार्थी होगा पर्वत, पेड़ का समानार्थी होगा वृक्ष, धरती का होगा पृथ्वी और शीश का होगा मस्तक। तो यहाँ पर हमने विलोम शब्द देखे और उसके आधार पर हमने वाक्य बनाए। यहाँ पर समानार्थी शब्द देखे और उसके आधार पर हमने वाक्य है वो बनाए। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, आधारित शब्दों की सूची कीजिए। आपको चित्र दिए गए हैं, तो बच्चों आपको वह चित्र देखने हैं और उसे पहचानने हैं कि उसमें कौन कौन से चित्र है। तो बच्चों शेर है, बंदर है, सांप है, सुअर है, गधा है, चाय वाला है, गधे वाला है, विक्रम और बेताल है। जो हम कहानी है वो बचपन में सुनते थे, विक्रम बेताल की कहानी, वो उसका भी चित्र है। यहाँ पर चश्मे वाला है, लाठी है, शाखा है, तलवार है, प्रकाश है, सितार है, बंदर है, टोपी है, जूता है, चश्मा है, पेड़ है, कप है, प्लेट है, धोती है, शर्ट है, पैंट है, मूछ है, पूछ है, ऐसे तो कई शब्द है, खंभा है, तो कई शब्द है, स्तंभ है, लाइट हाउस होता है ना, वो ऐसे तो कई शब्द है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों उसके बाद आपको दिया है, लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में। ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं ये हमें लिखना है। तो बच्चों मुझ पर कभी बोझ न रखो, गधा आदमी से कह रहा है कि मुझ पर कभी बोझ यानी कि भार है वो मत रखो। ये गधा बोल रहा है और आदमी से कह रहा है। उसके बाद है चाय पी लीजिए ठंडी हो जाएगी। चाय वाला है वो शेर से बोल रहा होगा। अब है चलो डिस्को चलते हैं, डांस करेंगे। और ऐसे बात है वो सुअर आपस में कर रहे होके, हमें अनुमान लगाना है बच्चों। उसके बाद है चुपचाप पेड़ के नीचे उतर आओ। तो विक्रम है वो बेताल से कह रहा है कि चुपचाप पेड़ के नीचे उतर आओ। आपने यह कहानी पढ़ी होगी तब आपको जानकारी होगी कि विक्रम है वो बेताल को अपने
कंधे पर रखता है और लेकर जाता है और कहानी है वो सुनता है और बाद में बेताल है वो फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा एकम 16 का अभ्यास और स्वाध्याय, उसमें कुछ प्रश्न थे, विलोम शब्द थे, समानार्थी शब्द थे, चित्र को पहचानना था और उसके आधार पर कुछ वाक्य है वो हमें बनाने थे। तो बच्चों आपने यह वीडियो पूर्ण देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामी नारायण।